दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आ रही है। जी हां, हम आपको बताते चले कि नालंदा में बहुचर्चित राजगीर गैंगरेप कांड का आज सजा निर्धारण हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सभी 7 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 5,000 रुपए जुर्माना की राशि की सजा दी गई है। इतना ही नहीं, दो और जो आरोपी हैं, जो 7 आरोपियों के साथ 2 आरोपी हैं, उनको 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया था। दरअसल जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि नालंदा में राजगीर, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर है, वहां पिछले वर्ष यानी 2019 में 16 सितंबर को एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई थी। 16 सितंबर को पहाड़ पर नाबालिग छात्रा के साथ 7 दरिंदों ने दरिंदगी की थी, नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार किया था और आज उस घटना के सभी 7 आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के पॉस्को स्पेशल जज मोहम्मद मंजूर आलम की न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं, सभी 7 आरोपियों को न्यायालय से आज सजा सुना दी गई है। कठोर कारावास की यह सजा बिहार शरीफ न्यायालय के द्वारा दी गई है। सभी 7 आरोपियों को आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। सभी 7 आरोपियों का नाम भी हम आपको बता देते हैं। ये आरोपी जो है, जो घटना में शामिल थे, उनमें मिथुन राजवंशी, आशीष राजवंशी, राम चौधरी, सोनू कुमार, राहुल राजवंशी, करण राजवंशी, रंजन राजवंशी को एडीजे सप्तम मोहम्मद मंजूर आलम की न्यायालय ने इनके विरुद्ध साक्ष्य सही पाए जाने के बाद आज सजा सुनाया है। 19 साक्षियों का परीक्षण किया गया। इसके बाद न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची और आज कठोर कारावास के साथ इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है। जो आईटी एक्ट के तहत दो जिनके द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, उनको 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। 16 सितंबर को यह घटना राजगीर में घटी थी। पुलिस, नालंदा पुलिस के द्वारा काफी उहापोह की स्थिति में 25 सितंबर को एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद 24 घंटे के बाद नालंदा पुलिस ने इस घटना में संलिप्त सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार की थी और नालंदा पुलिस के द्वारा स्पीडी ट्रायल कराकर इस घटना के सभी 7 आरोपियों को सजा दिलाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं। नालंदा के बहुचर्चित राजगीर गैंगरेप के सभी 7 आरोपियों को आज कठोरतम कारावास की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के साथ साथ 5,000 रुपए जुर्माना की राशि भी इन्हें भुगतान करना होगा। अगर ये जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करेंगे तो 6 महीना अतिरिक्त कारावास काटेंगे। इस राजगीर में किया गया था इन अभियुक्तों के द्वारा। 7 अभियुक्त इस केस में थे। 2019 का घटना है, 16/9/2019 की घटना। एक नाबालिग बच्ची के साथ सभी 7 मिलकर गैंगरेप किया था। बचने के लिए भी ये लोग काफी उपाय किए थे। बचने का काफी उपाय किया और उसके बाद वीडियो वायरल किया। सबसे बड़ा तो था कि वीडियो आया किया कि ये लोग नाजायज कागजात के आधार पर अपने आप को नाबालिग साबित करने का प्रयास किया। नाजायज ये लोग अपने जाली दस्तावेजों के आधार पर नाबालिग साबित करने का प्रयास किया, लेकिन जो ड्यू एग्जामिनेशन के तहत उनका गलत पाया गया और ये लोग मेजर थे और आज माननीय न्यायालय ने लोग को जो लीगल पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, वो सुनाया। कितना जुर्माना, किस प्रकार की उम्मीद जगी न्यायालय पे इस सजा के बाद? न्याय हित में तो न्याय, समाज के लोगों को न्यायालय के प्रति अच्छी विश्वास हो और जो ऑफेंस करेंगे वो इस तरह की घटना की कमी होगी। जो गलत किए हैं, क्या सजा हुई है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास दिया गया है सर। जुर्माना क्या है? जुर्माना 5,000, फेल होने पर 6 महीना का अतिरिक्त कारावास। दो लोगों को 3 दिन और दो लोगों को आईटी एक्ट में किया गया, 3 साल जो वीडियो वायरल किए थे लोग, उसके लिए अलग से पनिशमेंट है। 2 अभियुक्तों को 3 साल। क्या नाम हुआ उनका? है सोनू और राहुल। मेरा नवीन कुमार एडवोकेट। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।